साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेसी फर्गसन 72 पावर ऑफ, जो कि 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है और हम इसके आज पूरी जानकारी लेंगे। फ्रंट से बात करते हैं तो फ्रंट में आपको 2 हैलोजन लाइट मिलेंगी और बीच में कंपनी का लोगो मिलेगा और फ्रंट जो है इसका वो जालीदार दिया गया है ताकि हवा इंजन तक पास होती रहे और ट्रैक्टर ठंडा रहे। और फ्रंट में ही आपको इसका जो है ड्राई एयर क्लीनर मिलने वाला है। फ्रंट में जो बम्पर है वो पहले 70 किलो का था, अब इसको बढ़ा करके 90 किलो कर दिया गया है। अब इसका वजन जो है इंक्रीज कर दिया गया है। फ्रंट एक्सल इसका नॉन एडजस्टेबल एक्सल है, आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपने काम के अकॉर्डिंग वगैरह के, तो आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। फ्रंट टायर जो है इसमें 750/16 के दिए गए और जो पिछले टायर हैं वो 14/28 के दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको छोटे टायरों को बड़े टायरों को ऑप्शन भी मिल जाएगा। और जो ये ट्रैक्टर है ये पूरे 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है और जिसका फ्यूल टैंक है वो लोहे का टैंक दिया गया है। 60 लीटर आप इसके अंदर एक बार में डीजल डलवा सकते हैं और ये ट्रैक्टर आपको पावर स्टीयरिंग में मिलने वाला है, बैलेंसिंग रोड के साथ मिलेगा, यानी कि डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है और बिल्कुल फ्लैट आपको इसका प्लेटफॉर्म मिलेगा। और इसमें आपको ट्रांसपोर्ट लॉक वाली सुविधा भी मिलेगी, यानी कि अगर कोई भारी इम्प्लीमेंट आपने ले जाना है तो आप इसको लॉक करके यहाँ से ले जा सकते हैं। वहीं अगर हम इसके इंजन की बात करें तो ये 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ और 2700 CC के साथ। ये 161.6 का NM प्रदान करता है 10% बैकअप टॉर्क के साथ, सिंगल पंप के साथ है। पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक का दोनों का एक ही पंप होने वाला, एक वाटर सेपरेटर मिलेगा आपको और जो इसका पावर स्टीयरिंग का है वो आपको अलग से ऑयल मिलेगा, यानी कि इससे ट्रैक्टर का मेंटेनेंस जो है वो कम होता है। 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर है ये इनलाइन पंप के साथ। और जो इसका इंजन है वो सिम्पसन का है, मेड इन इंडिया। जो मेसी ट्रैक्टर के अंदर इंजन लगाए जाते हैं वो सिम्पसन के लगाए जाते हैं, मॉडल नंबर भी आप देख सकते हो उसमें। नीचे आपको 2 डीजल फिल्टर मिलने वाले हैं, एक स्टेप मिलेगा ट्रैक्टर के ऊपर जाने के लिए। काफ़ी अच्छा और ऊंचा ट्रैक्टर बनाया है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर लगता है, जैसे 9500 ट्रैक्टर हो ये। फ्लैट बिल्कुल आपको इसका पायदान मिलने वाला है, यानी कि प्लेटफॉर्म तेल में भिग हुए आपको इसके ब्रेक मिलेंगे। सस्पेंडिंग टाइप के हैं, लेकिन सस्पेंडिंग टाइप के दिए गए हैं लेकिन है नहीं हो असल में। और इसका गेयरबॉक्स जो है कॉम्फी मैश है, ओरिजिनल साइड शिफ्ट गेयरबॉक्स है, ये आपको 8+2 के गेयरबॉक्स में मिलने वाला है। टिट बटन के साथ आपको ट्रैक्टर मिल रहा है, ये इनके सिंगल पीस बोनेट है, यहाँ से आप खोल सकते हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर से बात करें तो मीडियम साइज का आपको स्टेयरिंग मिलेगा और टोटल जो इसमें RPM है वो 3000 है और 2100 इंजन रेटेड RPM पे ये अपनी फुल पावर जनरेट करता है। 540 चक्कर ये 1750 RPM पे, इंजन रेटेड RPM पे जनरेट कर देता है। और ये 2700 CC का इसके अंदर इंजन दिया गया है। ट्रैक्टर के नीचे क्लस्टर की बात करें तो कुछ इस तरह का क्लस्टर दिया गया है, इसमें पूरी इंडिकेशन है लाइट की वगैरह की। फ़ोन चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का स्लॉट मिलेगा आपको और नीचे एक बकेट दी गई है, ये देखिए। इसमें कॉम्फी मैश गेयरबॉक्स है, 4 इधर मिलेंगे और नीचे हाई लो का मिलेगा। ये DCPC पॉइंट मिलेंगे, इसकी जो है पहले 1800 kg लिफ्ट कैपेसिटी दी गई थी लेकिन अब इसको बढ़ा करके 2300 kg कर दिया गया है, जो कि 50 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर में आपको किसी भी कंपनी के किसी भी ट्रैक्टर में नहीं मिलने वाली है, जो कि बहुत इसका एडवांस फीचर है। सीट इसकी एडजस्टेबल है, आप अपने काम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर पाएंगे। ये पार्किंग ब्रेक दिया गया है, बिल्कुल गाड़ी जैसा पार्किंग ब्रेक मिलने वाला आपको। और पीछे आपको एक PTO मिलेगी, रिवर्स और फॉरवर्ड 2 PTO पावर मिलने वाली हैं, जो कि 44.5 HP जनरेट करती है PTO पावर इसकी। वहीं अगर हम थोड़ा सा बैक साइड से बात करें तो पैलेंट्री प्लस में आपको इसका बैक साइड मिलने वाला है, काफ़ी मजबूती सा बनाया है पिछला हिस्सा जो उसका है। 3 पॉइंट मिलेंगे आपको, लिंकेड पॉइंट 3 मिलने वाले हैं, जिसमें ADDC मिलेगी, एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट मिलने वाली है जिससे आप अपनी ट्रॉली वगैरह में लाइटिंग वगैरह का जोड़ सकते हैं। एक एक्स्ट्रा लाइट के लिए आपको स्टैंड मिलने वाला है, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा लाइट अगर लगवाना चाहें तो वहाँ इसमें लगवा सकते हैं, अडाप्टर पहले से ही दिया हुआ है। एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है,
टूल बॉक्स की बात करें तो काफी बड़ा टूल बॉक्स दिया गया है, फाइबर का टूल बॉक्स है जिसके अंदर आप अपने सामान वगैरह टूल वगैरह रख सकते हैं। और इसके अंदर आपको हेडलैम्प मिलने वाली है, सॉरी बैक हेडलैम्प मिलने वाली है, और जिसका जो बैक साइड दिया गया है वो पैलेंट्री प्लस में दिया गया है। इसके अंदर आपको दो डीसी बॉल मिलेंगे, ऑप्शन है ये स्टेबार या स्टेबलाइजर बोल दें, वो आप अकेला आदमी आराम से इसको एडजस्ट कर पाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर बनाया है, 50 एचपी कैटेगरी में बहुत ही शानदार ट्रैक्टर बनाया है। तेल में भीगे हुए आपको इसके ब्रेक मिलने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही स्मूथ है, लेकिन सस्पेंडिंग टाइप के बनाए गए हैं, लेकिन ये सस्पेंडेड है नहीं। ये डीसीपीसी पॉइंट मिलेंगे आपको अपनी ड्राफ्ट वाल को एडजस्ट करने के लिए। तो किसान भाइयों, ये थी इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।